हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। ये हमारी सीरीज़ की सेवन्थ वीडियो है जहां पर हम 60 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम 61। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि इस सीरीज़ को सिर्फ और सिर्फ आंसर मिलाने तक सीमित ना रखें। इस सीरीज़ के साथ ये पेपर ही सॉल्व कर दीजिए आप। हम जितनी एक्सप्लेनेशंस आपको बता रहे हैं, जितने आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, उन बातों को याद रखिए, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपने पेपर को अपने सामने रख के सॉल्व कीजिए। इस वीडियो को पॉज करके देख के खुद सॉल्व कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 61st क्वेश्चन से कि यूटीआई का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहले आप एक बात जान लें कि यूटीआई आखिर है क्या। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कहते हैं और ये 1963 में बनी थी फेब महीने में। तो ये बात सबसे पहले। दूसरी बात यूटीआई के बारे में ये जान लीजिए, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी थी और ये फर्स्ट एंटरप्राइज ऑफ इंडिया थी जिसने इशू किया था म्यूचुअल फंड। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड को लाने वाली इंडिया में सबसे पहली एंटरप्राइज यूटीआई थी। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यूटीआई लॉन्च इस फर्स्ट स्कीम इन 1964 नेम्ड US-64 उसका नाम था और 1964 में ये पहली स्कीम यूटीआई की आई थी। उसके बाद यूटीआई के दो पार्ट्स कर दिए गए, पहला स्पेशल अंडरटेकिंग एंड दूसरा यूटीआई म्यूचुअल फंड्स। तो यूटीआई के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप एक चीज़ तो जान गए होंगे कि यूटीआई म्यूचुअल फंड्स और आपके जितने भी स्कीम्स होती हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में आखिर होता क्या है, आपका पैसा कंपनीज में लगाया जाता है, इसके रिगार्डिंग बात हो रही है, मोबिलाइज करने की बात हो रही है आपकी सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अब मैं जब बात कर रहा हूँ इस चीज़ की कि यूटीआई का पहला पॉइंट आप देखेंगे, टू मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी बाय ऑफरिंग सेवर्स द ट्रिपल बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, टू चैनलाइज द पूल्ड सेविंग इनटू प्रोडक्टिव आउटलेट, हर म्यूचुअल फंड स्कीम यही करती है तो ये भी सही है। तीसरा देखेंगे, टू प्रोवाइड फाइनेंस अंडर हायर परचेज फाइनेंसिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस टू इट्स मेंबर्स, तो ये ऑप्शन। और नेक्स्ट देखेंगे आप, टू गिव एवरीवन अ चांस टू इनडायरेक्टली ओन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज। तो कोई म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, वो आगे आपका पैसा कंपनीज में लगाते हैं, तो इनडायरेक्टली आप कुछ शेयर्स को ओन कर रहे हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन इसके अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है टू प्रोवाइड अंडर हायर परचेज फर्म्स, हायर परचेज फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस टू इट्स मेंबर्स को अपने, ये नहीं देती है। तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर 61। 64th क्वेश्चन में चलते हैं, 62nd क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां आपसे पूछा गया है कि IFCI का कौन सा इनमें से फंक्शन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अब आप IFCI पे आइए। IFCI कब बनी थी? IFCI 1948 में बनी थी, 1948 में IFCI बनी थी। और IFCI का मोटिव क्या था ये जानिए, IFCI करती क्या है। IFCI 1 जुलाई 1948 को बनी थी और IFCI 25 साल के लिए लोन्स ग्रांट करती है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स भी लेती है और लोन्स आपको कैपिटल गुड्स के लिए भी देती है। तो अब अगर आप ऑप्शंस पढ़ते हैं इतना जानने के बाद, पहला ऑप्शन कहता है, टू ऑफर बोथ स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर्स द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स इन द वाइडनिंग प्रोस्पेरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये क्या ऑब्जेक्टिव IFCI का है? जी नहीं। आगे चलते हैं, टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन एंड टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, नहीं, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये दोनों नहीं है। टू सर्व एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंस फॉर टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री विद कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्किंग ऑफ द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं। फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स पार्टिकुलरली टू दोज सर्कमस्टांसिस इन विच बैंकिंग अकोमोडेशन इज इन appropriate or resource to capital market is impracticable. तो अब आप इन चारों options में से evaluate करके देखिए, fourth option would be the right answer here, कि ये main objective IFCI का है। 63rd
जो कि रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है। लिस्ट वन और लिस्ट टू को आप, जितने भी लिस्ट वन और लिस्ट टू के मैच क्वेश्चंस आते हैं, आप यकीन मान के चलिए इनमें आप सबसे ज़्यादा नंबर कमाएंगे, क्योंकि आपको एक या दो ऑप्शन करेक्ट करते ही इनका सही आंसर मिल जाता है। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन में फर्स्ट है टर्म फाइनेंस, सेकंड है रीफाइनेंस, और थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और फोर्थ है वेंचर कैपिटल। अगर आप किसी को भी छोड़ के सिर्फ वेंचर कैपिटल की बात करें, तो आप 12th क्लास में कभी एंटरप्रेन्योरशिप की बुक को देखिए, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर पे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर दे रखा है, जिसमें आपको हर चीज़ बेसिक से समझाई जाती है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? तो अगर आप डी को आइडेंटिफाई कर लें, तो आपका ये पूरा आंसर आ जाता है। तो डी का आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर एनकरेजिंग कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंशन। वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं एग्जिस्टिंग जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उनको एनकरेज करने के लिए, कह लीजिए। और वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर से डिफरेंट क्यों होते हैं, इसके बाद आप एक गूगल गूगल सर्च कीजिएगा और डालिएगा एंजल इन्वेस्टर एलन मस्क। एलन मस्क जो स्पेसएक्स के सीईओ हैं और आपके टेस्ला के सीईओ हैं, वो किस तरह एक एंजल इन्वेस्टर बन के आए थे उस कंपनी के लिए, और फिर आप ये जान पाएंगे कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या फ़र्क होता है, दोनों किस तरीके से पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ समय बाद फाइनेंस देके उस प्रोजेक्ट से धीरे धीरे अलग हो जाता है। और अगर आप इसी ऑप्शन के साथ जाते हैं, डी के फर्स्ट के साथ, तो आप देखेंगे सी का सेकंड आ रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सेकंड आ रहा है, डिलीवरिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू द वास्ट सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप। उसके बाद आप देखते हैं बी का ऑप्शन थर्ड आ रहा है, रीफाइनेंस किसे कहते हैं हम, प्रोवाइडिंग रेप्लेसमेंट फाइन री फाइनेंस टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर लोन्स टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। उसके बाद आप देखते हैं टर्म फाइनेंस किसे कहते हैं हम, टर्म फाइनेंस का फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द बोरोवर्स फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो द राइट आंसर वुड बी द थर्ड ऑप्शन हियर। नेक्स्ट चलते हैं 64th क्वेश्चन में, देखते हैं एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट्स यूनिट्स प्राइमरीली डिवोटेड टू एक्सपोर्ट्स। उसके बाद इसकी रीजनिंग कहती है कि गुड्स इंपोर्टेड टू अ फ्री ट्रेड जोन मे बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग इन द सेम फॉर्म, बट गुड्स एक्सपोर्टेड बाय यूनिट इज इन ईपीजी आर एक्सपेक्टेड टू हैव अंडरगॉन सम वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। कोड इसके कहते हैं आप ऑप्शन थर्ड पे आइए, क्योंकि रीजनिंग जो है इसकी वो गलत है, आर इज टोटली इनकरेक्ट है। असर्शन सही है, क्योंकि असर्शन कहती है एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट्स इज प्राइमरली डिवोटेड टू एक्सपोर्ट। कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन होता है, आपके ईपीजी जितने भी होते हैं, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को बसाने के लिए बनाए जाते हैं, और वो डिफरेंट होते हैं और बड़े स्पेसिफिकली डिवोटेड होते हैं एक्सपोर्ट्स को लेके। लेकिन रीजनिंग अगर आप देखेंगे तो ये इसको सही तरह ना एक्सप्लेन करती है, और ये ना कहीं सही पॉइंट है। तो थर्ड इज द ऑप्शन हियर, दैट इज ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। लेट्स गो विद द 65th क्वेश्चन। अगेन लिस्ट वन और लिस्ट टू क्वेश्चन है, जो मैं कहता हूँ कि रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन है आप अगर कंपेयर करेंगे तो। आप देखिए इसमें टेरिफिकेशन किसे कहते हैं, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज किसे कहते हैं, एक्शनेबल सब्सिडीज किसे कहते हैं, और नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज किसे कहते हैं। टेरिफिकेशन का बहुत इजी पॉइंट है, एक को सबसे ज़्यादा इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं, और आप देखेंगे टू थ्री एंड फोर, वन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप एक चीज़ तो हटा ही सकते थे उसी टाइम पेपर को सॉल्व करते हुए, कि दैट वन इज नॉट इन इवन इन द पिक्चर एज कम्पेयर टू ऑप्शन। आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्ट ले सकते हैं। तो अब आप देखिए किस तरीके से, अगर आप ए का थर्ड देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस अगर हटा दी, उसे आप टैरिफिकेशन कहते हैं। इसी के साथ चलते हुए बी का सेकंड देखते हैं, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज को आप रिलेट करेंगे किससे, दे एक्ट ऑन गुड्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद आप देखेंगे एक्शनेबल सब्सिडीज, सी का फर्स्ट,
दे हैव डेमोस्ट्रेबली एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अदर मेंबर कंट्रीज. अगर आप एक्शनेबल सब्सिडीज देंगे तो दूसरी कंट्रीज पे ज़्यादा असर पड़ता है, अगर आप नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज देंगे तो अगेन उसी का उल्टा पॉइंट हो जाएगा फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन डिसएडवांटेज रीजन्स. तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 65th क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द 66th क्वेश्चन, अगेन आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का क्वेश्चन दे दिया गया और ये इस एग्जाम में आएगा प्रॉबेबली सबसे ईजी क्वेश्चन है. अगर आप देखते हैं ट्रिप स्ट्रीम्स हम सब ने पढ़े, और अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं आपको WTO पे एक चैप्टर करा दूंगा जिसमें हम ट्रिप्स और ट्रिम्स लगभग सभी बच्चों को पढ़ाते हैं. ट्रिम्स रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट से और ट्रिप्स रिलेटेड होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, जो कि WTO के नॉर्म है और WTO के नॉर्म्स के हिसाब से यूनैमिसिटी रख के हर नेशन को वो फॉलो करने पड़ते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा पाकिस्तान हमारा MFN है, मोस्ट फेवर्ड नेशन इन ट्रेड है. ऐसा क्यों है अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए? बिकॉज ऑफ द WTO प्रिंसिपल ऑफ यूनैमिसिटी. यूनैमिसिटी एक ऐसा प्रिंसिपल होता है कि इससे आपको अपने देश के साथ जितने भी देश हैं उसमें एग्रीमेंट में सबके साथ सेम रिश्ते रखने होते हैं. तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो ट्रिप्स आपका रिलेट होता है डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन से, प्रोवाइड मोनोपोली पावर टू ओनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और उसके बाद आप देखेंगे ट्रिप्स अगर रिलेटेड है इससे, ट्रिम्स आपका सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स. और बाकी ऑप्शन अगर आप देखते हैं, बी गैट किससे रिलेटेड था, गैट WTO से पहले था तो गैट रिलेटेड है बी का ऑप्शन थर्ड, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टैरिफ हटाने के लिए ही गैट और WTO बना है. और नामा आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 2, इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए. तो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन कहता है कि इंडिकेट द करेक्ट कोड, करेक्ट कोड बताइए किसके लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है. पहली स्टेटमेंट कहता है कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शंस ओनली. तो और दूसरी आपकी स्टेटमेंट कहती है द करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शंस विच गिव राइज टू यूज अप नेशनल इनकम. तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शंस ही आती है, ऐसा किसने कह दिया? उसमें तो सारी कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती हैं. तो BOP अकाउंट जब आप पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 कहती है कि द करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शंस विच गिव राइज टू और यूज अप नेशनल इनकम. क्या जरूरी है सिर्फ यही आए? नहीं, ऐसा नहीं है. स्टेटमेंट दोनों की दोनों ये इनकरेक्ट है. सेकंड इज द करेक्ट कोड हियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन में कहते हैं द करेक्ट कोड बताइए. अगेन आप स्टेटमेंट देखिए दोनों की दोनों. और जब हम देखते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी एनकंपासेस द इंटरनेशनल रिजर्व्स ओनली, तो ये ऑप्शन सही है. सेकंड, अगर आप देखते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी कवर्स ओनली ऑफिशियल होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, SDRs एंड रिजर्व पोजीशन इन द IMF अवेलेबल फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ आपकी करेक्ट है. 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस हियर. और अगर किसी को अलग से IMF को पढ़ना हो या SDR को पढ़ना हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको IMF और SDR दोनों के दोनों ऑप्शंस, दोनों टॉपिक आपको करवा सकते हैं. IMF को डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमेशा IBRD के साथ पढ़िए, रिलेट करके पढ़िए, और उसके साथ आप पढ़िए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि आप SDR पढ़ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 69 क्वेश्चन में चलते हैं. 69 क्वेश्चन कहता है, अगेन आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 का दिया गया है और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है किसी भी नेट कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी को अगर पढ़ता है तो एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी? बहुत ही ईजी है. एडम स्मिथ ने दी थी कि कोई भी नेशन का, अगर किसी नेशन पे एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वो उसे प्रोड्यूस करना चाहिए और बाकी उसे क्या कर लेना चाहिए? इम्पोर्ट कर लेना चाहिए. और इसी के उल्टी, इसी के सेकेंड थ्योरी आती है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, जो हमें दी थी डेविड रिकार्डो ने ये कहा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए, आप कौन सी चीज़ को एफिशिएंटली बना सकते हैं और अगर नहीं बना सकते हैं तो उसे इंपोर्ट कर लीजिए. तो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है. और ये सारी की सारी थ्योरीज, चारों की चारों थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछली बार इस पे क्वेश्चन भी आया था, इस बार सिर्फ एक मैच द फॉलोइंग आया. 70 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल. वर्ल्ड बैंक का कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है? तो अगर आप इन चारों में देखेंगे, इनमें मुझे दो पॉइंट बहुत डिबेटेबल लगते हैं, तो आंसर आप खुद पता करिए, रिसर्च करिए इसके बारे में. मैं जो श्योर नहीं हूँ, इट इज़ द ऑप्शन बिटवीन 3 and 4. रीजन इज सिंपल, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. ना वर्ल्ड बैंक कभी लोन देता है किसी कंट्री को ये सोच के कि वो कहाँ लगाएगी. द बैंक डज नॉट एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पार्टिकुलर कंट्री, और ना ही वो ये लोन देख के देता है कि
वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट को इससे सुधार सकें, क्योंकि उसके लिए हमेशा IMF होता है। तो ये दोनों पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इनमें आप फैसला कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी 3 और 4 में से बीच में होगा, लेकिन 3 पॉइंट जो है वो ज़्यादा वैलिड लगता है, क्योंकि सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज के कंटेंट के लिए IMF एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें लोन्स प्रोवाइड करता है या पैसा प्रोवाइड करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और ये पेपर जितने लोग प्रैक्टिस कर सकें उतने लोगों को करवाइए। ये सिर्फ एक आंसर की ना समझें, इसे प्रैक्टिस पेपर समझिए, और इन 100 क्वेश्चंस के साथ आप भी इतने इक्विप्ड हो जाइए कि आपने एटलीस्ट 5 कॉन्सेप्ट तो इस सीरीज से सीखे होंगे। बार बार सुन के इसे रिपीट करके प्रैक्टिस करिए और अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।